हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राकेश कुमार जी के इस कमेंट को। इनका जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मनी बैक एडवांटेज प्लान से। अगर आप लोग भी मनी बैक एडवांटेज प्लान के बारे में जानना चाहते हैं उदाहरण के साथ में, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कीजिएगा, इससे आपका समय बचेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने श्रीमान जी के कमेंट को ध्यान से रीड किया है तो इनका कहना है 111,911 समझ चौड़ है इनका, उसके लिए 14,667 रूपए सालाना ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। जानना चाहते हो टोटल क्या बेनिफिट मिलेगा। प्लान में बेनिफिट बहुत सिंपल है जो इनको मिल जाएगा। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक बेनिफिट कह सकते हैं। दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि आपके सम मैच्योर्ड का 55% होगा। उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन के अनुसार जो चीज हमें चाहिए बेनिफिट जानने के लिए वो है सम अश्योर्ड, जो कि इन्होंने मेंशन की है। तो जैसे ही पॉलिसी का 5वां साल खत्म होगा उसके एंड में सम अश्योर्ड का 15%, पॉलिसी के 9वें साल के अंत में भी सम अश्योर्ड का 15% और 13वें साल के अंत में भी सम अश्योर्ड का 15% ऐसे सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिलेगा। यानी कि 3 बार इनको मनी बैक मिलेगा पॉलिसी टर्म के दौरान। और जब मैच्योरिटी आएगी तो 55% मिल जाएगा सम अश्योर्ड का, उसके साथ में अक्योर सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। इस प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का और पॉलिसी टर्म 16 साल का, जो कि फिक्स्ड है, राइट। अब आप देखिए, आपका सम अश्योर्ड कितना भी हो, जो सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे। तब हम यहाँ पे जान लेते हैं श्रीमान राकेश जी को 111,911 रुपए का जो 15% इन्हें मिल रहा है एज ए सर्वाइवल बेनिफिट या कहें कि एज ए मनी बैक, सबसे पहले कब मिलेगा? पॉलिसी के 5वें साल के अंत में मिलेगा। कितना मिलेगा? 15% मिलेगा सम अश्योर्ड का, जो कि हो जाता है 16,786.65। इतना ही अमाउंट इनको मिल जाएगा पॉलिसी के 9वें साल के अंत में और इतना ही अमाउंट इनको मिल जाएगा पॉलिसी के 13वें साल के अंत में। तो टोटल 3 बार इनको मिल गया सर्वाइवल बेनिफिट। अब मान लीजिए किसी का सम अश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख रुपए है, तो इनको यहाँ पे 10 लाख रुपए का 15% 3 बार मिलेगा, राइट। सर्वाइवल बेनिफिट टोटल हमने यहाँ पे कर लिया 50,359.95 का टोटल इनको मिल जाएगा सर्वाइवल बेनिफिट, कब? मैच्योरिटी से पहले मिल चुका होगा, ओके। अब मैच्योरिटी आएगी तो बोनस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो पॉलिसी बॉन्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है उसकी कैलकुलेशन सम अश्योर्ड पे की जाती है। अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है तो वो पॉलिसी में जरूर ही ऐड होगा और एक बार ऐड हो जाएगा तो वो पेबल होगा, राइट। चाहे डेथ कैश हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे आपकी मैच्योरिटी हो। और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में साफ ये भी लिखा हुआ है कि बोनस कोई गारंटेड नहीं है, राइट। अगर इनको बेनिफिट होगा तो बोनस यहाँ पे अनाउंस होगा और आपको बोनस मिलेगा। इस प्लान में जो अब तक का बोनस रेट रहा है वो 2.5% है। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आप बोनस रेट चेक कर पाएंगे पिछले सालों का भी। तो 111,911 का आप 2.5% निकाल लेंगे, उसमें आप 16 का गुणा करेंगे। 16 का क्यों? क्योंकि पॉलिसी टर्म यहाँ पे 16 साल का है। तो 44,764.40 का इनको मिल जाएगा अक्योर सिंपल रिवर्सनरी बोनस। अब मैच्योरिटी बेनिफिट हम जानते ही हैं कि सम अश्योर्ड का 55%, उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 111,911 का 55% निकालेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो कि 44,764.40 का है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 106,315.45 प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो कंपनी पे करेगी, राइट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी डेथ बेनिफिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना पॉलिसी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपना ध्यान रखिएगा।